हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आया हूं गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग की सीरीज में, जिसमें कि हम बात करेंगे आज प्रॉपर्टी सेक्शन की। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही कुछ वीडियो दे चुका हूं गूगल एनालिटिक्स ट्रेनिंग पे, जिसमें हम ओवरव्यू कर चुके हैं। एडमिन सेक्शन में हम पूरा गो थ्रू कर चुके हैं, गूगल एनालिटिक्स को गो थ्रू कर चुके हैं। अब एडमिन सेक्शन में जैसे मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट देन प्रॉपर्टी देन व्यू, तो आज हम प्रॉपर्टी सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक माई फेसबुक पेज, फॉलो मी ऑन ट्विटर, और यस, जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जो नॉलेज मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूं उसके रिवर्ट में मैं आपसे एक सब्सक्राइब के लिए तो बोल ही सकता हूं। तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट माय वेबसाइट comforseo.com। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने प्रैक्टिकल जो हम ट्रेनिंग देते हैं आपको उस पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको comforseo.com जो मेरा वेबसाइट है, मैं उसी के बारे में आपको ट्रेनिंग देता हूं, उसी का पूरा आपको ओवरव्यू देता हूं। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एनालिटिक्स को लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आप राइट हैंड साइड के फुटर में देखेंगे एडमिन सेक्शन होता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये मेरी विंडो ओपन होके आती है एडमिन सेक्शन की, जिसमें कि तीन सेक्शन है, अकाउंट, प्रॉपर्टी एंड व्यू। करेक्ट, तो हम ये ओवरव्यू सबका ले चुके थे। मैंने लास्ट वीडियो में कैसे अकाउंट को क्रिएट करते हैं इस पे बात की थी। आज मैं बात करता हूं कि प्रॉपर्टी का क्या काम होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है जिसका हम ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी बनाते समय, और क्या क्या सेटिंग होती है जो हमें चेंज करनी चाहिए, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपनी प्रॉपर्टी के साथ एड कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड देते हुए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो मैंने अपने अकाउंट का नाम दे दिया इंटरनल प्रोजेक्ट, करेक्ट, और उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी चूज की comforseo, और यू कैन से कि मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की। अच्छा फ्रेंड्स, अब आते हैं कि मैंने आपको पहले समझाया है कि हम कितने एक अकाउंट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए तो दोबारा मैं आपको रिव्यू करा देता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल क्रिएट प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी प्रॉपर्टी करनी है, मान के चलिए आप वेब करना है, ऐप करना है, ऐप एंड वेब करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे 46 मोर प्रॉपर्टीज कैन बी क्रिएटेड ऑन दिस अकाउंट। हमने चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस अकाउंट में क्रिएट कर रखी है, 46 और, मीन्स हम 50 प्रॉपर्टी एक अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट, मीन्स एक अकाउंट के अंदर हम 50 प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रॉपर्टी सेटिंग। मान के चलिए कि हमने एक ये प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी। अब सबसे जो टॉप में है वो है प्रॉपर्टी सेटिंग। मैं इस पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसमें दिखाता हूँ आपको क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहले होती है ट्रैकिंग आईडी। जो ट्रैकिंग आईडी है हमारी, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। आइदर आप हार्ड कोड के लिए जा रहे हो या आप जीटीएम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो एनालिटिक्स का, आपको ट्रैकिंग आईडी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आपको ये ट्रैकिंग आईडी सेव करके रखनी होती है कि किस अकाउंट के लिए, किस प्रॉपर्टी के लिए हमारी ट्रैकिंग आईडी क्या है। करेक्ट, अब ये मान के चलिए कि ये ट्रैकिंग आईडी अगर हमें जीटीएम के थ्रू करनी है तो हम ट्रैकिंग आईडी का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मुझे ये हार्ड कोड करना है दोस्तों, तो क्या करना होता है? तो दोस्तों देखो, इसके आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रैकिंग इन्फो। ट्रैकिंग इन्फो में मैं आपको सारी चीज दिखाऊंगा कि ट्रैकिंग कोड क्या होता है, डेटा कलेक्शन, ये सारी चीजें बताऊंगा कि हार्ड कोड भी कैसे कर सकते हैं और जीटीएम के थ्रू भी कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगेन प्रॉपर्टी सेटिंग में देखिए, ट्रैकिंग आईडी हो गई, यहाँ हम प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं। तो मैंने comforseo का नाम दे दिया है। डिफॉल्ट यूआरएल हम यहाँ अपने प्रॉपर्टी वेबसाइट का नाम देते हैं। डिफॉल्ट व्यू का नाम हम क्या दे रहे हैं, ऑल वेबसाइट डेटा, या आप व्यू हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे क्या क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, उसके बाद होता है इंडस्ट्री एंड कैटेगरी, बहुत जरूरी है जिससे कि एनालिटिक्स को यह पता होता है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे, बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। आप यहाँ चाहें तो कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं, जैसे मैंने किया ट्रेनिंग, करेक्ट, तो ट्रेनिंग का एज सच कुछ भी नहीं है, बट यस एजुकेशन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जॉब एंड एजुकेशन, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है। करेक्ट, नाउ नेक्स्ट,
एडवांस सेटिंग में आते हैं, अलाउ मैनुअल टैगिंग यूट्यूब वैल्यूज टू ओवरराइड ऑटो टैगिंग जीसीएल आईडीज वैल्यूज फॉर गूगल एंड सर्च एंड 360 इंटीग्रेशन। मतलब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया जिससे कि हम यहाँ पे जो हमारा गूगल एड्स का है और 360 इंटीग्रेशन है वो उसकी सेटिंग को हम इससे मैच करा पाए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी हिट वैल्यू, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा दिखाता है कि लास्ट डे में कितनी हिट हुई है, लास्ट 7 डेज में कितनी हिट हुई है और लास्ट 30 डेज में कितनी हिट हुई है। नेक्स्ट आता है इन पेज एनालिटिक, यूज एनहांस लिंक एट्रीब्यूशन, ठीक है, हाउ टू सेटअप एनहांस लिंक एट्रीब्यूशन ऑन माई साइट, तो ये इस तरीके की सेटिंग होती है। स्टार्ट इन पेज एनालिटिक्स इन, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एम्बेडेड मोड यूज करना है या फुल व्यू मोड यूज करना है। उसके बाद आता है गूगल एनालिटिक्स इंटेलिजेंट, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, डिलीट सर्च हिस्ट्री, अगर आपको कुछ ऐसा है गूगल एनालिटिक्स, आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। गूगल एनालिटिक्स इंटेलिजेंट यूज सर्च हिस्ट्री विद इन गूगल एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज सर्चेज एंड रिकमेंडेशंस, टू डिलीट ऑल ऑफ दिस प्रॉपर्टी सर्च डेटा यूज द कंट्रोल बिलो, रिसेंट ब्राउजिंग डेटा इज सेव्ड इन योर ब्राउजर, ठीक है, हमारी एक तरीके से कुकीज वुकीज को डिलीट करने के लिए जो हम एनालिटिक्स के लिए सर्च कर रहे हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च कंसोल, दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी होता है और हम इसे यूज भी करते हैं। इसका क्या होता है कि हमने अपनी कम्फोर एसईओ के लिए एक सर्च कंसोल का अकाउंट बनाया हुआ है और ये हमारा जीए का अकाउंट है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो सर्च कंसोल का डेटा है वो हमारे एनालिटिक्स के अकाउंट में दिखे। बहुत सिंपल मेथड होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, मींस मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, वैसे मैं इसकी एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि हम एनालिटिक्स और सर्च कंसोल को कैसे कंबाइंड कर सकते हैं, डेटा को कैसे सर्च कंसोल का डेटा एनालिटिक्स में ला सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे आप, एडजस्ट जस्ट इस पे हमने क्लिक किया और आप यहाँ देखेंगे मैंने ऑलरेडी इसमें दो व्यू को सिलेक्ट कर रखा है, मतलब ऑल वेबसाइट डेटा या रिपोर्टिंग व्यू, तो मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे रिपोर्टिंग व्यू के लिए चाहिए, ठीक है, मैंने इसे सेव कर दिया और सर्च कंसोल से मैंने इस वेबसाइट को लिंक कर दिया। अगर ये लिंक नहीं होता, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता तो मुझे सर्च कंसोल के अकाउंट पे लेके जाता और वहां से मुझसे पूछा कि कौन सा अकाउंट हमें यूज करना है, वहां पे मैं जैसे ही सेलेक्ट करता और मेरा ये कनेक्शन हो जाता। मैं प्रैक्टिकली आपको किसी दूसरी वेबसाइट को ये करके नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, करेक्ट। तो देखिए यूजर एनालिसिस इनेबल यूजर मैट्रिक्स इन रिपोर्टिंग, तो एक ऑटोमेटिक यूजर रिपोर्टिंग यूजर मैट्रिक्स की इसमें रिपोर्टिंग आती है जिसको आप ऑन ऑफ अपने लेवल पे कर सकते हैं, अगर आपने ऑन कर दिया तो जीए में हमारा डेटा आएगा, ऑफ कर दिया तो डेटा नहीं आएगा। फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक प्रॉपर्टी सेटिंग के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट, अब देखिए प्रॉपर्टी यूजर मैनेजमेंट में हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इसमें हम एक्सेस देते हैं कि हमें क्या क्या एक्सेस देना है, किस तरीके का एक्सेस होता है इस पे। देखिए मैं यहाँ पे ऐड यूजर करता हूँ या ऐड यूजर ग्रुप्स करता हूँ, अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा है इसीलिए मैं केवल एक ऐड यूजर कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, ये वही ईमेल आईडी लेता है यहाँ पे जो हमारी गूगल अकाउंट से एसोसिएटेड है, सॉरी गूगल से एसोसिएटेड है। अगर आपकी कोई डोमेन आईडी है, फॉर एग्जाम्पल info@comforseo.com, तो पहले इसे आपको गूगल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। अगर आपको जरूरत हो तो मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर आपकी डोमेन आईडी है उसको आप गूगल के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, तो मैं यहाँ पे एक आईडी डाल देता हूँ, मान के चलिए कोई टेक्स्ट ईमेल आईडी text@gmail.com, राइट, और मैंने ये क्लिक कर दिया। अभी ये ईमेल आईडी नहीं है इसीलिए द ईमेल डजंट मैच गूगल अकाउंट, जब तक हमारा एक्टिव अकाउंट नहीं होता ये नहीं लेता है। यहाँ पे परमिशंस होती हैं, आप एडिट परमिशन दे सकते हैं, कोलैबोरेट दे सकते हैं, रीड एंड एनालिसिस दे सकते हैं और मैनेज यूजर दे सकते हैं। तो एडिट के केस में क्या होगा कि कुछ सेटिंग होती है जो कि जैसे कैन क्रिएट एंड एडिट व्यू फिल्टर गोल ETC, ठीक है। कोलैबोरेट के केस में होता है कैन क्रिएट एंड एडिट शेयर एसेट्स लाइक डैशबोर्ड एंड एनोटेशन। रीड एनालिसिस में केवल आप रीड एनालिसिस कर सकते हैं, यूजर के केस में आप किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का एक्सेस किसी को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ट्रैकिंग इन्फो, ये बहुत जरूरी सेक्शन है हमें अपने एनालिटिक्स का जो कि हमें आना चाहिए, तो मैं हर एक का ओवरव्यू आपको देता हूँ। देखिए ट्रैकिंग कोड है, ट्रैकिंग कोड में हमें सब कुछ यहाँ मिल जाता है, देखिए वही ट्रैकिंग आईडी है जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट। अब उसके बाद देखिए ग्लोबल साइट टैग gtag.js, ये हमारा जो कोड है स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को अगर आप कहीं भी हार्ड कोड कर देंगे तो हमारा
डेटा इस प्रॉपर्टी में आना शुरू हो जाएगा। मान के चलिए मैंने किसी भी वेबसाइट पे ये डाल दिया, तो इस अकाउंट में मेरा जीए में उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर मुझे जीटीएम के थ्रू करना है तो मैं ये आईडी यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, ये थोड़ा सा अपना बताते हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें डेटा कलेक्शन, ठीक है, कुछ नहीं इसमें हमें सिग्नल्स होते हैं ऑन ऑफ करने होते हैं, ठीक है, तो ये आप पूरा पढ़ के आप देख सकते हैं। जैसे मैंने डेटा कलेक्शन फॉर गूगल सिग्नल्स के लिए ऑन कर रखा है, गूगल सिग्नल क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट है डेटा रिटेंशन, अगेन डेटा रिटेंशन की पॉलिसी अभी 2 साल पहले हुई है कि हमें अपने जीए में डेटा कितने मंथ तक रखना है, रिटेन करना है, तो ये पॉलिसी है कि मोर देन 28 मंथ, अगर आप इस पे क्लिक करके देखेंगे तो 50 मंथ्स तक का डेटा, 50 मंथ्स तक हम किसी भी क्लाइंट का डेटा इसमें अपने पास रख सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एज पर योर डेटा एंड एज पर योर लाइक कंपनी पॉलिसी की आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद हम आते हैं यूजर आईडी पे। यूजर आईडी अगेन यहाँ पे हमें ये अगर क्या है यूजर आईडी, क्या होता है कि जैसे मेरा कोई एक सिंगल यूजर है, एनोनिमस यूजर है और उसे मुझे ट्रैक करना है, ठीक है, एनोनिमस यूजर था उसे ट्रैक करना है कि उसने फिर लॉगिन करने के बाद क्या की लॉगिन करने से पहले, तो यहाँ हम एक यूजर आईडी व्यू क्रिएट कर सकते हैं। एक एक्टिवेट इसे करेंगे तो हमारा उससे एक नया व्यू क्रिएट होगा, नया व्यू क्रिएट कर सकते हैं जहां हम पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद आता है सेशन सेटिंग। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू में बताया था कि हमारा जो सेशन होता है, देखिए बाय डिफॉल्ट 30 मिनट होता है कि हमारा जो मैक्सिमम सेशन टाइम आउट मिनिमम 1 मिनट मैक्सिमम 4 आवर्स, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 4 आवर्स तक हमारा सेशन कंटिन्यू रहता है, या हमारा जो है हमने 30 मिनट का ले रखा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही कैंपेन टाइम आउट ये भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक सर्च सोर्सेस, ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सर्चेस, देखिए अगर आप इसे पढ़ेंगे, एड मोर सर्च इंजन टू द डिफॉल्ट लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक सर्च सोर्सेस, ठीक है, यूजर अराइविंग एट योर साइट फ्रॉम एनी सर्च इंजन इन द लिस्ट अपीयर एज ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन योर रिपोर्ट्स। मतलब होता क्या है, जो हमारा ऑर्गेनिक डेटा दिखता है इसमें, जिसकी हम लेटर वीडियोज में बात करेंगे, जो डेटा दिखता है उसमें आप ये चाहते हैं जहां पे ये लिस्ट दे रखी है, ये इस लिस्ट में किसी भी सर्च इंजन से अगर डेटा आ रहा है तो हमारा ऑर्गेनिक में काउंट हो, तो आप यहाँ पे एड सर्च इंजन जैसे ही करेंगे उसका नाम देंगे, सर्च इंजन नेम, क्वेरी पैरामीटर, पाथ कंटेंट्स ऑप्शनल, मतलब आप केवल सर्च इंजन का नाम दे देंगे वो भी काफी है और आपका डेटा में वो नाम दिखाई देने लगेगा। उसके बाद है रेफरल एक्सक्लूजन लिस्ट। फ्रेंड्स बहुत जरूरी होता है, क्या होता है कई बार, जैसे मेरा डोमेन है comfortseo.com, इसमें मैंने कुछ सब डोमेन बना रखे हैं, या फिर क्या होता है कि www.comfortseo.com विदाउट www.comfortseo.com, तो इस तरीके से जब ये एक दूसरे डोमेन से मूव करते हैं तो हमारा रेफरल डेटा आता है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं अपने डोमेन को एक्सक्लूड कर देते हैं कि मेरे डोमेन का डेटा रेफरल में न दिखाई दे, अदरवाइज क्या होता है रेफरल में मेरे अपने डोमेन का डेटा भी दिखाई देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, हमेशा अपनी वेबसाइट की URL को यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए। सर्च टर्म एक्सक्लूजन लिस्ट, अच्छा कोई भी ऐसा टर्म आप यहाँ डालना चाहते हैं जिससे कि यू वॉन्ट एक्सक्लूड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, तो यहाँ पे आप टर्म ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू सर्च टर्म ऐड पे, यहाँ पे टर्म को यूज करेंगे और इसे क्रिएट कर देंगे, राइट। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस की कैसे हो रहा है। उसके बाद आता है डेटा डिलीशन रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने अभी बताया, ये बहुत अभी रेयरली गूगल ने चेंज किया है GDPR के अकॉर्डिंग के कंडीशन और PII इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो ये टोटली उसी की सेटिंग है, GA की सेटिंग है कि आप अगर डिलीशन रिक्वेस्ट, अगर PII इन्फॉर्मेशन मान ली आपने अपने एनालिटिक्स अकाउंट में ले ली और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं GA को, जिससे कि GA क्या करेगा आपके उस डेटा को डिलीट कर देगा, उस डेटा की जगह आपको हैश या कुछ नंबर्स डिक्रिप्टेड टाइप का कुछ नंबर्स उसमें दिखा देता है। नेक्स्ट इसका सेक्शन फ्रेंड्स प्रोडक्ट लिंकिंग आता है। देखिए आप प्रोडक्ट लिंकिंग में क्या होता है, देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी था उसमें 3 चीज थी, एक तो प्रॉपर्टी सेटिंग हो गई, उसके बाद प्रोडक्ट लिंकिंग है, ठीक है। प्रोडक्ट लिंकिंग में क्या होता है, आप गूगल एड्स लिंक कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका होता है फ्रेंड्स कि दोनों प्रॉपर्टी में मीन्स एनालिटिक्स में और गूगल एड्स में आपकी जो ईमेल आईडी है वो
एज ए ओनर होनी चाहिए, राइट। उस केस में आप यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, सबसे पहले आप एडवर्ड में अकाउंट को ऐड करते हैं, वहां से इनिशिएट कर देते हैं, यहाँ पे अकाउंट दिखाई देगा और यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। सिमिलर भी हम यूज करते हैं एडसेंस के लिए, सिमिलर एड एक्सचेंज लिंकिंग के लिए, और यहाँ पे आपको ऑल प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं कि आपने किस किस से लिंक कर रखा है। देखिए जैसे लिंक प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एडसेंस से हमने कर रखा है, सर्च कंसोल से हमने कर रखा है, ठीक है, हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब अनलिंक प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, देखिए गूगल एड है, एड एक्सचेंज है, बिग क्वेरी है, डिस्प्ले एंड वीडियो 360 है, कैंपेन मैनेजर है, सर्च एड है, गूगल प्ले है, पोस्टबैक है, तो ये सारी चीजों को भी हम अपने एनालिटिक्स अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए देखते हैं ऑडियंस डेफिनेशन। ये फ्रेंड्स ऑडियंस जो रिपोर्ट होती है बहुत जरूरी होती है जब हम कैंपेन चलाते हैं, जब हम गूगल एड्स चलाते हैं। कैसे जरूरी होती है, देखिए हम रिमार्केटिंग करते हैं। अब आपको रिमार्केटिंग का आइडिया नहीं होगा, नो डाउट मैं रिमार्केटिंग पे एक नया पूरा आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मान के चलिए कि मेरा ट्रेनिंग का बिजनेस है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक डेटाबेस है, मेरे एनालिटिक्स में एक अकाउंट में कुछ यूजर्स आते हैं जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि उन्हीं ऑडियंस को अपना एड दिखाना चाहता हूँ, राइट। मैं कहता हूँ कि comfortseo.com पे इंडिया से जितने लोगों ने विजिट किया, ठीक है, और उनकी मैंने कुछ टर्म्स कंडीशंस डाल दी, उन लोगों को ये डेटा दिखाई, मेरा एड दिखाई दे तो उनको ये दिखाई देगा, इसे हम रिमार्केटिंग कहते हैं। तो हमें इनेबल करनी होती है, ऑडियंस रिपोर्ट हमें बनानी होती है और इस ऑडियंस का यूज हम गूगल एड्स में करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कस्टम डेफिनेशंस में। देखिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कस्टम डायमेंशन एंड कस्टम मैट्रिक्स अगेन, क्योंकि ये अपने आप में इतने बड़ा टॉपिक होता है कि इसे कवर करने के लिए हमें बहुत टाइम चाहिए, तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं और इसके बारे में हम डिटेल आगे वीडियोस में बात करेंगे। अब कस्टम डायमेंशन क्या होती है कि मान के चलिए बाय डिफॉल्ट मेरे पास बहुत सारी डायमेंशन है एनालिटिक्स में जिसमें डेटा हमारा आता है। अब क्या हुआ कि एक स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की तरफ से कि भाई मैं क्या चाहता हूं कि किसी भी पेज पे अगर कोई फोन नंबर है तो उसके लिए आप एक डायमेंशन बना दो जो कि हमारे एनालिटिक्स में दिखाई दे कि फोन नंबर और उसके अंदर जितने भी नंबर्स हमारे क्लिक हो रहे हैं उसका पूरा डेटा हमारा होना चाहिए, करेक्ट। तो हमें क्या करना होता है, एक कस्टम डायमेंशन बनानी पड़ती है। अब कस्टम डायमेंशन यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं न्यू कस्टम डायमेंशन यहाँ क्रिएट करेंगे और उस डायमेंशन में डेटा कैसे लेना है ये सारा कोडिंग आपको GTM में करनी पड़ेगी या हार्ड कोड आपको अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिमिलर हम कस्टम मैट्रिक्स के साथ यूज करते हैं कि अगर आपको कोई कस्टम मैट्रिक्स चाहिए तो उसमें हम डेटा कैसे लेके आते हैं। उसके बाद आता है डेटा इम्पोर्ट। फ्रेंड्स देखिए ये भी बहुत जरूरी चीज है। अब देखिए जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो आज की डेट में जितना भी बिजनेस है सारा बिजनेस डेटा पे चलता है और डेटा जिसका जितना स्ट्रांग है उसका बिजनेस उतना ही सक्सेस है। तो डेटा इंपोर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो हम डेटा ले रहे हैं सिर्फ एनालिटिक्स का डेटा ले रहे हैं, अगर हम चाहें DB का डेटा किसी तरीके से इसमें मर्ज करना चाहें तो वो यही एक ऑप्शन है जहां से कि ऐसा हम कर सकते हैं। एक्सेल हम यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं, DB से डेटा एक्सेल में लिया, एक्सेल को यहाँ इम्पोर्ट कर दिया। फायदा क्या है फ्रेंड्स, मैं इसका आपको फायदा बताता हूँ। मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, मान के चलिए मेरा ये ट्रेनिंग का बिजनेस है। अब मेरा काम इस एनालिटिक्स में सिर्फ इतना है कि मुझे लोगों को बताना है कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसके बाद लोग अपना फॉर्म या क्वेरी सबमिट करते हैं। क्वेरी करने के बाद मान के चलिए एक यूजर ने क्वेरी की, मेरे ऑफिस में उसका कॉल आता है और मेरा ऑफिस के जो बंदे होते हैं उससे कोऑर्डिनेट करते हैं और वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेता है। लेकिन एनालिटिक्स में डेटा कहाँ तक था कि उसने क्वेरी की, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्सेल बनाएंगे कि ठीक है ये यूजर था जिसकी क्वेरी हमारे पास आई थी, क्वेरी आने के बाद इसके आगे क्या हुआ कि हमने उसे कॉल की, कॉल करने के बाद उसने हमारा डेमो लिया, डेमो लेने के बाद उसने हमारे एनालिटिक्स ट्रेनिंग का कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे हम फाइनल दिखा सकते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फनल बना सकते हैं कि ये बंदा हमारे पास कैसे आया था, क्या क्या हुआ और फाइनल इसका स्टेटस क्या है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डेटा इम्पोर्ट का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि प्रॉपर्टी में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि अगर हम एक एक को बहुत डीपली देखेंगे तो हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा और मैं चाहता हूं कि आप टाइम दें। अगर आप गूगल एनालिटिक्स को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो इसमें जितनी भी चीजें हैं वो एक एक चीज को जाके आपको प्रैक्टिकली करना होगा और सीखना होगा। आपको जहां भी कोई क्वेश्चन होता है, जहां भी कोई क्वेरी होती है, आप मुझे तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको जो भी डाउट है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के लिए एक नया वीडियो बना के आपकी उस पर
हेल्प करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो व्यू होता है नेक्स्ट सेक्शन रिपोर्टिंग व्यू, इस सेक्शन में हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यस अगेन आई विल से कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेरी है एनालिटिक्स से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड, यू जस्ट राइट ए कमेंट ऑन यूट्यूब और आप मेरी वेबसाइट kampoorseo.com पे भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।